अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है हम चोलिस्तान पर बनाने आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चोलिस्तान की सैर करवाऊंगा। यहाँ पे ये देखें, बारिश हुई है और रात को भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है। आगे चल के वीडियो में आपको जो है वो मुकम्मल सैर करवाते हैं। गाइज, अभी जो है पूरे चोलिस्तान में देखें आप कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। ये मेरे पीछे सारा पानी खड़ा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भेड़ें चरा रहे हैं। ये देखें, साइडें जो हैं वो सारी पानी से भर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उस्ताद जी, क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं अभी। नहीं, बारिश हो गई अभी। आप यहाँ पे नहीं रहेंगे या बस काम खत्म। यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, ये सारी आपकी हैं भेड़ें। हाँ जी। कितनी होंगी तकरीबन। नहीं, बारिश में ये खुश रहते हैं या। बारिश में खुश रहते हैं। ज़्यादा घास हो गई अब। आहो, चलो सही है। ये देखें जी गाइस, अभी बारिश हुई है और भेड़ों की जो ऊन है वो ये देखें गीली हो गई है। पानी पानी हो गया। इनका तो वज़न खुद का पहले काफ़ी होता है और बढ़ गया, इसलिए अभी ये बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे चोलिस्तान में जो लोग हैं इस तरह से डेरा लगा के बैठते हैं। वो देखें सामने एक जो है वो झोंपड़ी सी बनाई हुई है इन्होंने, और फिर इनके जो माल मवेशी है वो भी साथ। ये इस साइड पे देखें सारा जो है ना पानी पानी इकट्ठा हो गया। और एक बंदा वहाँ पे जो है वो कुकिंग कर रहा है। ये देखें कुत्ते बैठे हुए हैं मेरे सर में। आते हैं कहीं, अब कुत्ते तो नहीं पहन गए यार, बचा है ना तुम। कुत्ते रखे हुए हैं इन्होंने, तीन चार बड़े बड़े। ये देखें, ये जो है भेड़ों की देखभाल करते हैं, गीदड़ वगैरह, ताकि इनको ना खा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, किधर जा रहे हो। कोते पे सामान रखने जा। क्या नाम है। अलामा मोहम्मद इकबाल। नहीं, मोहम्मद तलहा मुबीन, स्कूल में नाम है। तलहा मुबीन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तीसरी में पढ़ते थे। छुट्टियां अभी जी स्कूल से। मैंने कहा छुट्टियां अभी। स्कूल हमने छोड़ दिया। ना यार, ये तो ज्यादती करी है। चलो ठीक है, कहाँ जा रहे हो अभी। अब हमने खोते पे सामान रखकर पानी भर दें, पानी भर कर फिर। चलो रखो तो देखते हैं फिर। ये देखें कि यहाँ पे जो है अभी बारिश हुई है, ऊपर इन्होंने एक छापा सा डाला है, कोई थोड़ी बहुत बचत होगी होगी। ऐ बढ़िया बोतलें इकट्ठियाँ की थी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम, चाय बनाइए। चाय पिलाऊं। बस दो घूंट दे दें चाय। यहाँ पे देखें जी, इन्होंने अपना चूल्हा एक रखा हुआ है छोटा सा, और इधर चाय बनाई है। ये भाई हैं, जैसा कि आपको पता है चोलिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहमान नवाज होते हैं। जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, वो लोग हमें हमेशा चाय पानी बड़ा खुशी से पूछते हैं। तो अभी इन भाई ने भी ये देखें चाय बनाई है। ये बर्तन देखें जी, पीतल का बर्तन है और कहते हैं कि इंडिया से जो है ये लोग मंगवाते हैं ये वाला बर्तन। और इसकी खासियत ये है कि इसमें आप चाय पकाएं, सालन बनाएं, जो जायका है वो फिर उसमें वो नहीं रहता, बस उसकी स्मेल बड़ी जल्दी चली जाती है। ये छोटे साहब जो है अभी सामान लोड कर रहे हैं गधे पे और पानी लेने जाएंगे। पानी कितों लेके आना है। अच्छा है, नाल ही। ये जी सामने से ये पानी लेने जाएंगे। इधर है एक कुआं लगा हुआ इस जगह पर।
ये खोते दी कितनी उम्र है? खोते दी खोते ना साया पता नहीं, तू नहीं साई है दा? मैं तो होना है 50-60 साल होगी इतनी हो से आंदा 50-60 साल ये जी भाई अभी हमें चाय पिला रहे हैं, ये मेरा कज़न है, मैं और कज़न दोनों आए हैं। बस उस्ताद जी बस करे अभी यार, ये जो चाय का जो टेस्ट है वो अपना ही है, इसमें तो ऐसे फील होता है जैसे इलायचियाँ डाली हुई हैं, बहुत बेहतरीन है। ये देखें ये भाई जो है मेरे कज़न को भी चाय दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं इनके दिल बड़े खुले हैं, अच्छे लोग हैं। वो देखें कुछ भेड़ें इधर खड़ी हैं, अभी जो रोशन मौसम, अभी मौसम थोड़ा सेट होगा तो फिर ही ये भेड़ें जो हैं वो चरने के लिए जाएंगी। गाइस अभी जो है ये सामान अपना लोड कर चुका है, उतर बैग जाओगे हैं? छोड़। अच्छा ये अकेला ही खुद ही पानी लेके आ जाएगा? नहीं, इसको हम साथ लेकर जाते हैं, पानी जो है ना वाटर से लेकर भर कर ले जाते हैं, और वहाँ पे जब प्यास लगती है तो इसे रोक कर खुद जिन से ला। ठीक ठीक ठीक, हाँ यदि कश्ती तैयार होएगी तो अभी जी ये चांद गाड़ी तैयार हो रही है, लोडिंग जा रही है भाई की। ये शिकारी बैठे हुए हैं, गाइस ये लोग चोलिस्तान में जो है इनके बड़े जो हैं वो मवेशी वगैरह चलाने निकल जाते हैं, इन लोगों के जो बड़े हैं वो मवेशी वगैरह चलाने के लिए निकल जाते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो फिर इधर रहते हैं। यहाँ पे इनका सामान वगैरह होता है, और अभी मैंने और मेरा कज़न ने एक भेड़ उठानी है वो सामने से, और एक बंदा कह रहा है कि नहीं ना ले के जाएँ। पता नहीं उसमें ले ला चाह लिया चढ़ दस को नहीं आखा मैं दसना भी ले ला वेख गया ना लिया मैंने सका ले ला चाहिए मां जा दे तो सन वेच से जी मर्जी करे यार उन्हें पता मैं नहीं पता है बेचना नहीं बेचना कहीं मैं नहीं पता मैंने सर इतना पता है उसका लेला नहीं आना है अब यह नहीं पता लेला बेचना वास्ते या किसे दें ये बेचना की करने का भाई का लेने पानी लेने उतना रात का कार दे दे तो रख ले अब इसपे क्या है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त ये अब तू है जोड़ी रख सके वो जोड़ी रख सके ये रख सी तू कुछ रख से हाँ जी
अभी मैं जो हूँ सहरा में मौजूद हूँ चौलिस्तान में, तो यहाँ पे इनके जो मवेशी हैं लोगों के, वो बड़े दूर दूर चरने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे देखें हर तरफ सहरा ही सहरा है चारों साइडों पे। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो अभी बड़ा खूबसूरत समा बन चुका है। ये देखें पौधे कितने लश ग्रीन नज़र आ रहे हैं। इस तरह की जो घास है ये इनके जानवर खाते हैं हरी हरी। इसी तरह ये लोग बस घरों में ही रहते हैं। उधर डेरा है जहाँ पे इनका, और ये सामने देखें अभी शायद एक दो गधे हैं कि पता नहीं क्या है, गधे हैं या गधी हैं, ये खड़ी हैं इधर। मिट्टी देखें अभी बारिश हुई है तो बिल्कुल जो है वो जम चुकी है, नहीं तो उड़ती रहती है। अभी बारिश हो गई है तो सुकून है। ये देखें इनकी टांगों में जो है रस्सी इन्होंने बांध रखी है ताकि ये कहीं दूर ना भाग जाएं। ये फिर ज़्यादा सफ़र भी कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ये देखें डर रहे हैं शायद, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है हर जगह पे पानी खड़ा हो गया। ये देखें इधर भी अब पानी पानी, मवेशियों की मौजें लग जाती हैं जब बारिश हो जाती है, नहीं तो इनको टोबे पे पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। अभी इनके जहाँ से मर्जी पानी पिए। ये देखें घास खा रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये इनका किचन, इधर चाय बन रही है। ये देखें यहाँ पे बाकी सामान वगैरह रखते हैं। ये प्याज पड़े हुए हैं। छत देखें, ये ब्रश है, छत भी ऐसे ही तिनकों वगैरह से बनाई है। चाय बन रही है जी। बच्चन वाले शौक मट्ठा करन दे विच मेरे को काट नहीं मार जा। हुन वे देखनी सो आई थे एदा हक आई थे गड्डी रोके आ। हां आई थे गड्डी चले आ
ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਠਾ ਦੇ ਗਾ ਸਾਹ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਇਧਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਫਤ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ थोड़ा ये